केंद्र सरकार की मृदा स्वास्थ्य जांच योजना किसानों के लिए लाभकारी साबित हो रही है। जींद में भूमि परीक्षण अधिकारी संतराम मलिक ने बताया कि इस योजना से किसानों को ये जानकारी मिल जाती है कि उनकी जमीन में किस पोषक तत्व की कमी है या आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि जिले में अब तक 4,36,000 मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाए जा चुके हैं। भूमि परीक्षण अधिकारी ने बताया कि किसान मिट्टी की जांच का सैंपल लाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि ऊपर की 15 सेंटीमीटर की परत को उतार कर लाएं। उन्होंने बताया कि ये सभी जांच विभाग द्वारा निःशुल्क की जाती है, जिससे किसानों को समय के साथ साथ आर्थिक लाभ भी मिलता है। का यहाँ प्रयोगशाला में अपना मिट्टी का नमूना लेकर आ सकता है और यहाँ कोई किसी प्रकार का चार्ज नहीं लिया जाता। प्रयोग कोर्ट उसकी चेकिंग की जाती है और उससे उसको खेत में जितनी उसने खाद की मात्रा प्रयोग करनी चाहिए उसका सही सही पता लग जाता है। उसमें उसके मुख्य पोषक तत्व भी, जैसे हम नाइट्रोजन के लिए यूरिया डालते हैं या फास्फोरस के लिए DAP डालते हैं या SSP डालते हैं, सल्फर के लिए फास्फोरस भी उसमें मिल जाता है तो उनका पता चलता है। साथ ही हम सूक्ष्म पोषक तत्व भी पता लगाने के लिए हमारे पास यहाँ यंत्र है और उससे हम जैसे जिंक है और जिंक आदि सूक्ष्म पोषक तत्व हैं उनका भी हम पता लगा लेते हैं। मिट्टी की जांच करने के लिए हम लेवल में लेके जाते हैं तो उससे हमें पता चल जाएगा कि हमारी मिट्टी में, हमारी खेती में क्या कसर है, तो उसको पूरा करने के लिए हम ज़्यादा खाद या कुछ भी अनदर जो भी दवाइयाँ डालते हैं उसका ज़्यादा नहीं डालनी पड़ेगी। सोयल हेल्थ कार्ड का हमने इतना फ़ायदा हो गया, इसमें हमारी मिट्टी की जांच करवा दी है सरकार, उसमें हमने जितना खाद पहले हम डाला करते बेशुमार खाद डाल दिया करते, हमने अपने जो जितनी ज़रूरत हो गई जरूरत के अनुसार हम खाद डाला हैं तो उसमें हमने हमारे इनकम की भी बचत होगी।